एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी, इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इनमें तो एक साथ कई लोगों का खाना बन जाएगा, इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुराली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुराली पर पड़ी। वह यह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदारियां रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदारियां मटके से बाहर निकाल ली। फिर उसने एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके में एक के बदले उसे 100 चीज मिलती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो, किसान को अब किसी चीज की कमी ना रही। वह दिन पर दिन धनवान होता गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने उसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चला। उन्होंने यह भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि हमारे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे वहां आ गया। राजा की पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका जादुई है और उसे वह मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिले किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या कहता है? वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांककर तो देखूं कि आखिर इनमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। उसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारपीट मची कि कोई राजा जीवित ना बचा। सब
मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि उस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद किससे पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगला वीडियो में।